पॉजिटिव है क्यूब, अब जैसे फॉर एग्जांपल क्यूप्रस सल्फेट और क्यूप्रिक सल्फेट, तो यहां पे फार्मूला बदल जाएगा, क्यूप्रस नाइट्रेट और क्यूप्रिक नाइट्रेट तो फार्मूला बदल जाएगा, फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट फार्मूला बदल जाएगा। और इनका अपनों को आगे काम है, न्यूमेरिकल में इनका काम पड़ता है, तो आपको फार्मूला बनाने की टेक्निक बता रहा। ये कुछ कैटायंस है इनको लर्न करना है, ये कुछ एनायंस है इनको लर्न करना है। देखो हाइड्रोजन के मोनो नेगेटिव को हाइड्राइड कहते, क्या कहते हाइड्राइड, और कुछ नहीं इसमें कंसेप्ट नहीं है, मैं बहुत डेंजर काम नहीं, बस एच नेगेटिव हाइड्राइड हाइड्राइड एच नेगेटिव, ऐसा चार पांच बार इधर से उधर उधर से इधर बोलने का, दो चार बार लिख के देखने हो जाता लर्न, और फिर अपन प्रैक्टिस तो कर ही रहे। ऑक्सीजन के डाई नेगेटिव को ऑक्साइड कहते हैं, ऑक्साइड हाइड्राइड एच नेगेटिव, ऑक्साइड डाई नेगेटिव ऑक्सीजन डाई नेगेटिव, सल्फाइड एस डाई नेगेटिव, तो ये नाइट्राइड कल अपन ने डिस्कस करते एन ट्राई नेगेटिव, और अजाइड जो होता है ना अजाइड, वो जो तीन है वो नीचे बॉटम में ले लो, एन थ्री मोनो नेगेटिव, एन थ्री इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अजाइड। तो अजाइड क्या होता है, एन थ्री मैं अजाइड पर से एक एडिशनल एसिड बता रहा, और उस एसिड का नाम है हाइड्राजोइक एसिड, इधर बोर्ड पे ध्यान देना रे, हाइड्रा नीचे लिख रहा हूं जेड ओ आई सी हाइड्राजोइक एसिड, और उसका फार्मूला है एन थ्री एच। इसको देख के लगता है कि अमोनिया की याददाश्त चलेगी, अब एक बात बताओ, हर गरीब से गरीब को, बड़ा गरीब से गरीब को अमोनिया का फार्मूला पता है, शाबाश वेरी गुड। बस वो तीन जो हाइड्रोजन के बॉटम में, वो तीन किसके बॉटम में ला लो, नाइट्रोजन, दैट इज N3H, सिंपल, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्राजोइक एसिड। अब हाइड्राजोइक एसिड में से हाइड्रोजन जो है वो निकाल लो, हाइड्रोजन निकाल लो, तो फिर बचा N3। हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव के फॉर्म में चला गया, अब अगर H पॉजिटिव गया तो N3 मोनोनेगेटिव बचा, अगर एक पॉजिटिव गया तो जो बचेगा उस पर एक नेगेटिव आ जाएगा, अगर दो पॉजिटिव जाते तो जो बचता उस पर दो नेगेटिव आते, सिंपल है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ H2SO4, जगह लिख इधर देखो, ये फॉर एग्जांपल H2SO4 है ना, H2SO4 में से अगर दो हाइड्रोजन चले जाएंगे तो SO4 पे डाई नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड सल्फेट, होगा कहीं ना कहीं आगे सल्फेट का एन। सर ये बताए क्यों, तो एक बहुत सिंपल टेक्निक बता रहा, क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना, क्या हाइड्राजोइक एसिड एसिड है, ये क्या है, नहीं मतलब ये नया तरीका लगता है ना, अपडेटेड तरीका दिख रहा है मेरे को, ये क्या हाइड्राजोइक एसिड एसिड है, अभी उसके नाम में एसिड है ना रे, तो एसिड होंगे ना फिर वो, बोले सर हमको मालूम नहीं, हम ये गांव में नए हैं, बोले हाइड्राजोइक एसिड एसिड है, एसिड में से जब H पॉजिटिव चला जाता तो जो बचता उसको उसका कॉन्जुगेट बेस कहते, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अपन आयनिक में पढ़ेंगे इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर इक्विलिब्रियम, और बिलीव मी वो चैप्टर पढ़ने के लिए वैसे तो कम से कम एक महीना तो पढ़ना चाहिए, पर अभी इतना समय ही नहीं आपके पास, तो अपन 10 दिन लेंगे उसको इक्विलिब्रियम, उसमें दो पार्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, बहुत अच्छे अच्छे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स है, और फिजिकल केमिस्ट्री अपना फेवरेट केमिस्ट्री है। हाइड्राजोइक एसिड क्या एसिड है, अबे जरा फटाफट बोला करो ना, यस, तो N3H में से H चला गया, तो जब एसिड में से अपन H पॉजिटिव निकाल ले तो जो बचता उसको कॉन्जुगेट बेस कहते, तो ये बहुत VIP क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्राजोइक एसिड, ये बहुत VIP क्वेश्चन है, तो उसका आंसर रहेगा N3 मोनो नेगेटिव, जिसको हम क्या कहते हैं अजाइड, अजाइड आयन, बिकॉज इट कैरी चार्ज। जैसे सिंपल एग्जांपल देते, चलो देखो ये फॉर एग्जांपल HCl, क्या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या HCl में से H पॉजिटिव चला गया तो फिर क्या HCl नेगेटिव, तो व्हाट इज HCl नेगेटिव, HCl नेगेटिव इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl, कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl। अब समझो मान लो ये मेरे पास पेन है, पेन है तेरे पास, ला बता यार, मैं वापस दे दूंगा आपको,
कैमरे को धक्का नहीं लगा, महंगा कैमरा है। ठीक है, अब इधर देख लो, अब समझो मान लो ये पेन है, तो ये ढक्कन है ना, ढक्कन ही है ना ये। अब समझो मान लो ये पेन ना हो के ये एसिड है, क्या है ये? अब इसमें से हमने ये ढक्कन निकाल लिया, मतलब हमने एच पॉजिटिव आयन निकाल लिए, तो फिर क्या बचा? तो बोले सर पेन विदाउट ढक्कन बचा। दिस पेन विदाउट ढक्कन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस पेन। तो अगर ये एसिड है और इसमें से एच पॉजिटिव आयन चला जाए तो जो बचता है उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। अब समझो मान लो ये बेस है और उसमें एच पॉजिटिव आ जाए तो जो बनेगा उसको कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट बेस कहेंगे। तो हर एसिड का, ये एसिड है, ये चला गया एच पॉजिटिव तो बचा कॉन्जुगेट बेस, और अगर ये बेस है और इसमें एच पॉजिटिव आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। तो हर एसिड का क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस, और हर बेस का क्या होता है? एसिड। तो मैंने आपको सिंपली बताया। अब इसमें दो चीज ध्यान में रखना, हाइड्रोजोइक एसिड, व्हाट इज हाइड्रोजोइक एसिड? N3H है ना, वो मतलब याददाश्त जिसकी चले जाए ऐसा अमोनिया। हाइड्रोजोइक एसिड में N3H, इसमें एच पॉजिटिव चला गया तो इट इज N3 मोनोनेगेटिव। तो व्हाट इज, अगर मैं ऐसा बोलूँ क्या, अजाइड और हाइड्रोजोइक एसिड इन दोनों के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। समझो ये एसिड है, अरे बोलो ना, यस सर, ये एच पॉजिटिव आयन गया तो फिर क्या बचा? कॉन्जुगेट बेस। ये किसका कॉन्जुगेट बेस है? इस एसिड का। तो ये एसिड और ये बेस, इन दोनों को क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो एक बात बताओ, हाइड्रोजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या रहेगा? N3 मोनो निगेटिव, और N3 मोनो निगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड क्या रहेगा? हाइड्रोजोइक एसिड। अबे ये अगर मामा है तो ये भांजा है, ये भांजा है तो उसका मामा ही है। अरे मामा भांजा समझ में आ गई? फिर से ये क्या है? हाइड्रोजोइक एसिड, तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। और ये कॉन्जुगेट बेस है तो ये अगर बेस है तो ये उसका कॉन्जुगेट एसिड है। हर एसिड का क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस। और हर बेस का क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड। अगर एसिड को खुद का कॉन्जुगेट बेस तैयार करना है तो उसको एच पॉजिटिव आयन देना पड़ेगा। जैसे सिंपल एग्जांपल, HCl क्या है? एसिड है। HCl क्या है? और उसमें से H पॉजिटिव आयन निकाल दो तो क्या बचेगा? Cl मोनो निगेटिव। तो Cl मोनो निगेटिव HCl का क्या रहेगा? कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि ये एसिड था। तो H पॉजिटिव निकलने के बाद जो बचेगा वो उसका क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। और चलो ये मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पर जो बड़े कैटायन हो गए और ये एनायन हो गए, ये एनायन आपको लर्न करना है। देखो फॉस्फाइड जो होता है पी ट्राई निगेटिव होता है, अब देखो फॉस्फेट और फॉस्फाइड दीज आर द टू डिफरेंट आयन्स। फॉस्फाइड इट इज पी ट्राई निगेटिव, हाइड्रोक्साइड इट इज OH मोनो निगेटिव। तो ये फॉस्फाइड है, ये OH मोनो निगेटिव है, और ये सारे आयन्स आपको लर्न करना है। आई होप सो कि आप आयन लर्न कर लेंगे, क्योंकि उसके बगैर जमेंगे नहीं। मैं आपको अगला जो मैजिक बताने जा रहा हूँ, जरा बोर्ड पर ध्यान देना आप। उसके बाद ये और आगे के एनायन है, इधर इधर सल्फेट सल्फाइट SO4 डाइनिगेटिव SO3 डाइनिगेटिव, नाइट्रेट नाइट्राइट NO3 मोनोनिगेटिव NO2 मोनोनिगेटिव। उसके बाद फॉस्फेट, अभी अपन ने फॉस्फाइड देखे थे पी ट्राइनिगेटिव, इट इज फॉस्फेट PO4 ट्राइनिगेटिव। देन कार्बोनेट CO3 डाइनिगेटिव, देन बायकार्बोनेट HCO3 मोनोनिगेटिव HCO3, देन साइनाइड CN मोनोनिगेटिव। और फिर ये तो सब गरीब हैलोजन्स है, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड FClBrI मोनोनिगेटिव। उसके बाद में कुछ थोड़े से मतलब क्या कहते हैं उसको, आतंकवादी एनायन, वो चार है, डायक्रोमेट क्रोमेट पर मैग्नेट मैग्नेट क्लोरेट पर क्लोरेट। तो इसमें से मैंने चार यहाँ लिखे हुए हैं। अभी आप सिर्फ डायक्रोमेट को फोकस करो, जैसे आपने एक नाम सुना होगा पोटेशियम डायक्रोमेट K2Cr2O7, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं इसको, बराबर है कि नहीं है? K2Cr2O7 में का K2 हटा दो तो Cr2O7 डाइनेगेटिव बचेगा, इसको डायक्रोमेट आयन, इट इज कॉल्ड डायक्रोमेट आयन, इट इज डायक्रोमेट।
देन आपने एक नाम सुना होगा पर्पल कलर का पोटेशियम पर मैग्नेट, डेट इज के एम एन ओ फोर. तो के एम एन ओ फोर में का के हटा तो क्या बचेगा, एम एन ओ फोर मोनोनेगेटिव, एम एन ओ फोर इट इज पर मैग्नेट, पर मैग्नेट. बाद में ये क्लोरेट और पर क्लोरेट, ये और दो आयन बताया उन्हें. क्लोरेट होता है सी एल ओ थ्री मोनोनेगेटिव और पर क्लोरेट होता है सी एल ओ फोर मोनोनेगेटिव. तो मैंने यहाँ पर आपको 10-15 कैटायन बताया और 15-20 एनायन बताया. अब ये आपको अपनी मेमोरी पावर के हिसाब से आयन्स को लर्न करना है. सादे भाषा में इसको कहते हैं अपनी औकात के हिसाब से. तो अपने अपने औकात के हिसाब से लर्न कर लो. जो जितने आयन लर्न कर लेंगे उसको उतने फॉर्मूले बनाते आ जाएंगे. और फॉर्मूले अगर आपको बनाते आ गया तो फिर आपको रिएक्शन को लर्न करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, है ना. कंपाउंड आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आपको ध्यान में रखना नहीं पड़ेगा. अदरवाइज 370 फार्मूले को लर्न थोड़ी करते बैठेगा. फार्मूले लर्न मत करो, उनको बनाना सीखो. अब आपने आयन्स की प्रैक्टिस कर ली, अब इसमें से कोई भी एक कैटायन उठाओ और कोई भी एक एनायन उठाओ, फार्मूला बन जाएगा. जैसे अपन ने एनायन लिया, देखो कितने खतरनाक खतरनाक है ना. अब समझो अपन ने इधर से क्या उठाया, मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे फॉस्फेट उठाता हूँ. क्या उठाता हूँ, फॉस्फेट. और इसके ऊपर की जो स्लाइड थी उसमें कैटायन थे, अपन वहाँ से लेंगे सोडियम. तो सोडियम और फॉस्फेट क्या बन जाएगा, क्या बात है, शाबाश, सोडियम फॉस्फेट बन जाएगा. तो बन जाएगा ना, फार्मूला थोड़ी बना, नाम बना. अब क्या बनाना है, फार्मूला. अबे नालायक को, यस सर, ये फॉस्फेट है, ठीक है. ओ खरमुरे, इधर इधर, आपकी हालत इतनी सी, और आप ध्यान नहीं दे रहे, बोलते लास्ट में बट अरे सामने देखता हूँ. देखो जिन बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं और जो काफ़ी जिनकी हाइट वगैरह की थोड़ी प्रॉब्लम कम है, वो थोड़ा आगे बैठा करो, है ना. मैंने कल एक बात बताया, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो तो बैच करो, चाहे ये बैच या कोई भी बैच. और अगर नहीं पढ़ना चाहते तो घर पे रह के आराम करो, कम से कम आराम तो होगा. तो यहाँ बैठ के बच्चे अगर पढ़े नहीं कर रहे तो उनके से नालायक और बेवकूफ़ कोई नहीं. फिर घर पे रह के आराम करो, कम से कम हेल्थ अच्छी मेंटेन रहेंगे. यहाँ अपन चेयर पे क्लास में बैठ रहे और ना तो धड़ से सो पा रहे और ना तो धड़ से पढ़ पा रहे. तो फिर ठंडी में सोचो अपन क्या है. फिर एक तो अच्छे से पढ़ लो या तो अच्छे से सो लो, है ना. तो मन के मन में हमेशा क्वेश्चन खुद को पूछते रहने को होना कि अपन जो अपने ज़िंदगी में भी जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं इसमें बेवकूफ़ अपन किसको बना रहे करके. तो आपको एडेड आंसर मिलेगा, खुद को बेवकूफ़ बना रहे और लॉस भी खुद का ही हो रहा. और अभी आप 12th स्टैंडर्ड में आ गए तो बहुत ही एकदम हर लेक्चर को, चाहे मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, आप कहीं भी और भी कहीं पढ़ते होंगे तो पूरे ईमानदारी से लेक्चर के अंदर खुद का बेस्ट दिया करो, या तो फिर क्लास में मत बैठा करो, है ना. कुछ बच्चे ऐसे जो टाइम पास के लिए पढ़ते हैं, यहाँ मेरे लगता है टाइम पास वाले स्टूडेंट नहीं आएंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा यही स्टूडेंट है जो ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं और डबल से बैठ रहे आके. तो इसमें तो पढ़ने के लिए अपन आ रहे. कोई भी एक आयन उठा दे लो. देखो मैं आपको सोडियम फॉस्फेट, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ निकालना सिखा रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड वेंट ऑफ फैक्टर, जो फार्मूले से रिलेटेड है. और वेंट ऑफ फैक्टर का काम सोल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पड़ता है. अब वहाँ पर अलग से सीखने के बाद यहाँ सीख लेंगे बेसिक के अंदर अपन. तो कोई भी फार्मूला बनाने का, उस फार्मूले में जो टोटल नंबर ऑफ आयन्स रहेंगे उसको थोड़ी देर के लिए वेंट ऑफ फैक्टर हम समझ सकते हैं. हालांकि वेंट ऑफ फैक्टर इट इज़ रिलेटेड टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फिर वो थोड़ा हाई लेवल कंसेप्ट चला जाएगा तो उतने दूर नहीं जाने का अपने को. हमको सिर्फ क्या करना है, पर फार्मूला बनाना सीखना है. फार्मूला बनाते आएगा तो फिर मैं आपको उसका एन निकालना सिखाऊंगा. तो ये जो एन होता है ना, ये एन बहुत काम की चीज़ है. अब एन का मतलब नंबर ऑफ मोल भी होता है, एन का मतलब एसिडिटी भी होता है, एन का मतलब बेसिसिटी होता है, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ आयन्स भी होता है. अब ये मजबूरी है अपनी कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 है ना. 26 अल्फ़ाबेट, एक ही अल्फ़ाबेट अलग अलग चैप्टर में अलग अलग कंसेप्ट के लिए यूज़ होता है. तो यहाँ पे एन जो होता है ना, तो एन कैसे निकलता है, सोडियम फॉस्फेट. मैंने यहाँ से क्या उठाया, यार फास्ट आंसर दिया हो जरा, एक्टिव मोड में रहो जरा. क्या उठाया अपन ने यहाँ से, और पीछे क्या है, सोडियम. अब सोडियम और फॉस्फेट मिला के क्या बनेगा, सोडियम. अब मैं सोडियम फॉस्फेट का अगर फार्मूला बनाने जाऊँ, देखो ये सोडियम मतलब Na मोनो पॉजिटिव,
और फॉस्फेट क्या है, पीओ फोर ट्राई निगेट। तो फार्मूला बनाने से पहले ये पता होना चाहिए कि फॉस्फेट जो है वो पीओ फोर ट्राई निगेटिव है और सोडियम जो है वो मोनो पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, टोटल फॉस्फेट पे निगेटिव चार्ज कितना है, 3 निगेटिव है, और सोडियम पे पॉजिटिव कितना है, तो ये बहुत नाइंसाफी होगी। फिर बस आपको चार्ज को इक्वेट करना है, तब निगेटिव 3 है और पॉजिटिव 1 है, तो हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इसके बॉटम में अपन 3 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा Na3PO4, बन गया फार्मूला। यहाँ पे सोडियम के कितने आयन्स हो गए, 3, और फॉस्फेट पूरा एक आयन है, इट इज कंप्लीट वन आयन, आयन्स कह रहा हूं मैं इसको, इट इज कंप्लीट वन आयन्स। तो ये कितना होगा, 1 हो गया, तो 3 और 1 कितने हो गए, अच्छा बस, तो कुछ बच्चों सोच के आंसर दे रहे हैं, जान दो 1 और 3 कितने हो गए, हाँ वेरी गुड शाबाश। तो ये जो है ना, इसको उसका वेंट ऑफ फैक्टर कहेंगे थोड़ी देर के लिए, दैट इज कॉल्ड एन वैल्यू। हालांकि वेंट ऑफ फैक्टर डिनोटेड बाय स्मॉल है, सर वेंट ऑफ फैक्टर एक फैक्टर होता है जिसको वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं, आगे देखेंगे सोल्यूशन को लेकर, वो छोड़ दो, आपको टोटल नंबर ऑफ आयंस निकालते आना चाहिए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेंगे अपन, दूसरा समझो अपन ने लिए फॉस्फेट लेंगे और सोडियम की जगह कैल्शियम लेंगे, सोडियम की जगह कैल्शियम लेंगे, इधर फॉस्फेट लेंगे, तो फॉस्फेट क्या है, पीओ फोर ट्राई निगेटिव। चलो एक और फॉर्मूला लेने जा रहे हैं अपन, बोर्ड पे ध्यान देना रहे, हाँ फॉस्फेट जो है वो पीओ फोर ट्राई निगेटिव है, राइट, अरे बोलते रहे करो रे, और कैल्शियम जो है वो सी ए डाई पॉजिटिव है। एक बात, अब ये यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अब कैल्शियम इट इज सी ए डाई पॉजिटिव, फॉस्फेट इट इज पीओ फोर ट्राई निगेटिव, कैल्शियम पे चार्ज कितना है, 2, इस पे चार्ज कितना है, 3, ये सेम है कि डिफरेंट है, तो फिर हमको इनको सेम करने के लिए 2 को 3 से और 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो उसके बॉटम में आ जाएगा, इसके बॉटम में 3 आएगा, इसके बॉटम में 2 आएगा, इस तरह से फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा Ca3PO4/2, व्हाट इज दिस, कैल्शियम फॉस्फेट। अब बताओ इसमें कैल्शियम के कितने आयन हो गए, 3, और फॉस्फेट के कितने आयन हो गए, 2, तो 3+2, दिस इज टोटल नंबर ऑफ आयन्स। देखो टोटल नंबर ऑफ चार्ज अलग चीज है और टोटल नंबर ऑफ आयन्स अलग चीज है। अगर मैं आपको ये पूछूं कि कैल्शियम फॉस्फेट में टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है, टोटल चार्ज, तो सी ए पे डाय पॉजिटिव है और ऐसे सी ए 3 है, तो 3 × 2 = 6, इट इज 6 पॉजिटिव, दैट इज टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज इज डिफरेंट थिंग एंड टोटल नंबर ऑफ आयन्स आर डिफरेंट थिंग, तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स आपको निकालते आना चाहिए किसी भी सॉल्व में। तो फार्मूला बनाने सीख लिए, अब आप क्या करो, इसमें से कोई भी एखाद आयन आयन बोलो, चल पेन तूने दिया था ना, बोल एखाद आयन, नाइट्राइट, नाइट्रेट, एक बोल कोई भी सेल में, एक नाइट्रेट कन्फर्म, पहले ये क्यों बोला फिर तूने, चलो नाइट्रेट। अब एखाद कैटायन बोलो, जो अपने पिछले स्लाइड में, कोई भी कैल्शियम, तो कैल्शियम नाइट्रेट, इन्होंने बोले एक नाइट्रेट बोले कैल्शियम बोले, तो कैल्शियम यानी कि सी ए डाई पॉजिटिव, और नाइट्रेट जो होता है वो एनओ थ्री मोनो निगेटिव, तो इट इज एनओ थ्री मोनो निगेटिव। अब एक बात बताओ, किसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, एनओ थ्री को, अरे तो डाई पॉजिटिव है ना, ये मोनो निगेटिव है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इट इज सी ए एनओ थ्री बाय 2, तो दिस इज द फार्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, सिंपल। अब अगर आपने इधर का अजाइड, कौन था अभी, अभी अपने अजाइड आयन देखे थे, अजाइड, अब जो एक काम करेंगे, मैं एक अजाइड मतलब एन थ्री मोनो निगेटिव, ठीक है, देखो एन थ्री मोनो निगेटिव क्या हो गया, अजाइड, एन थ्री मोनो निगेटिव अजाइड, और अपन एक काम करेंगे कि बेरियम, बेरियम का फार्मूला होता है बी ए डाय पॉजिटिव, बी ए डाय पॉजिटिव, तो ये डाय पॉजिटिव और ये मोनो निगेटिव है, तो इसको अपन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो बी ए एन थ्री बाय 2, तो दिस इज द फार्मूला ऑफ बेरियम अजाइड,
बेरियम बेरियम अजाइड, सिंपल बन गया फार्मूला। तो इस तरह से आपको फार्मूले बनाते आना चाहिए, कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। अमोनियम कार्बोनेट एक कैटन उठाने का, एक एन उठाने का फार्मूले बनाते बैठने, तो ऐसे टोटल 370 फार्मूले बनते, बेसिकली 368 बनते। और ये दो पे मैंने स्टार बनाया था, मैंने पोटेशियम फेरो साइनाइड एंड पोटेशियम फेरी साइनाइड, पढ़ो। पोटेशियम फेरो साइनाइड एंड पोटेशियम पोटेशियम फेरो, ये दो कंपाउंड आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। K4